साल 2021 के लिए संपूर्ण देश में स्थित 5 रीजनल काउंसिल में से सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल का 70 सालों के इतिहास में सर्वप्रथम द्वितीय बेस्ट रीजन अवार्ड के लिए चयनित किया गया है, जहां इसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बजट 2022 पर भी खास चर्चा की गई। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से प्रतिवर्ष देश भर में स्थित अपनी 167 शाखाओं और 5 रीजनल काउंसिल को साल भर में किए गए कार्यों के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय बेस्ट ब्रांच एवं बेस्ट रीजन अवार्ड के लिए चयनित किया जाता है। साल 2021 के लिए संपूर्ण देश में स्थित 5 रीजनल काउंसिल में से सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल का 70 सालों के इतिहास में सर्वप्रथम द्वितीय बेस्ट रीजन अवार्ड के लिए चयनित किया गया। वहीं इसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें बजट 2022 पर भी खास चर्चा की गई। लेस रिस्क की इंस्ट्रूमेंट है और कहीं ना कहीं जब शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड का, वो फुल्ली रेगुलेटेड है। अभी क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन में नहीं है, तो इस पे जब रेगुलेशंस आएंगे फिर उसके बाद जब मार्केट इसको रेस्ट करेगा उसमें तकरीबन 3-4 साल 5 साल लगेंगे इसको पूरा स्ट्रीम लाइन होने में। तब फिर जैसे आज 15,000 करेंसीज है, हो सकता है इसमें से 1,000-1,500 ही बचे जो अच्छी होगी। जैसे अपन शेयर मार्केट को देखते हैं तो 90s के शेयर मार्केट की बहुत सारी कंपनियां आज 0 वैल्यू पर हैं, लेकिन धीरे धीरे जब नई कंपनियां आई तो वो एस्टेब्लिश हुई। तो इसी तरह से इसमें भी होगा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का अच्छा टूल है। अगर हम रिस्क एपेटाइट है, अगर रिस्क ले सकते हैं तो थोड़ा पैसा इसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर ब्लॉकचेन का बहुत अच्छा है। सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन सीए नीलेश गुप्ता ने बताया कि पहली बार इंस्टीट्यूट के इतिहास में सर्वप्रथम द्वितीय बेस्ट रीजन अवार्ड दिया जाएगा। सर, ये सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल, जिसका कि जो हेड ऑफिस है वो कानपुर है और 7 राज्यों से मिलकर के बनी हुई होती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान, इंदौर भी उसी का एक पार्ट है। तो चूंकि मैं इंदौर से हूँ इसलिए हम सब यहाँ मुखातिब हो रहे हैं। पहली बार इंस्टीट्यूट के इतिहास में सेकंड बेस्ट ब्रांच का अवार्ड सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल को ICI मुख्यालय द्वारा घोषित किया गया है, जो कि कल यानी कि 4 फरवरी को दिल्ली में माननीय वित्त राज्य मंत्री कराड़ साहब द्वारा दिया जाएगा। इस दौरान ICAI के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष CA मनोज फडणीस उपस्थित थे, वहीं CA कीर्ति जोशी और CA अंकुश जैन को भी सभी ने बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।